बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज देख रहे ताजपुर सीक्रेट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं एक नया रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जो बनाना नहायत ही आसान। तो आज मैं बना रहा हूँ आलू बुखारे की मीठी चटनी। उसके लिए मैंने लिया 400 ग्राम आलू बुखारा और इसको मैंने अच्छी तरह वाश कर लिया। तकरीबन 5 से 6 आदद छोटी इलायची, 1/2 टेबल स्पून विनीगर, 1 चुटकी बराबर चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा बादाम लिया। इसको मैं बॉईल करूँगा, इसका छिलका उतार देंगे। और मेलन सीड यानी 4 मगज़ थोड़ा सा लिया और 400 ग्राम इसके लिए मैंने लिया शुगर और 1 पिंच सॉल्ट नमक। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया और मैं फ्लेम किया ऑन। इसमें हम डालेंगे तकरीबन एक लीटर पानी। और इसमें शामिल करेंगे आलू बुखारा। इसको कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाए। यहाँ पे हमारा आलू बुखारा को अच्छी तरह बॉयल आ गया, तो इस स्टेज पे मैं शुगर को ऐड करूँगा और हल्का सा चम्मच चलाते रहे। तो यहाँ पे आप ऐड करें इलायची, चिल्ली पाउडर, एक चुटकी नमक और उसको कम से कम 8 से 10 मिनट पकाते रहें ताकि आलू बुखारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आना शुरू हो गया और खुशबू भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ पे इसको मीडियम आंच पे 8 से 10 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारा आलू बुखारा तैयार है, इसकी चटनी रेडी है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा विनीगर, यहाँ पे ऐड करेंगे मेलन सीड और बादाम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चटनी बनी हुई आलू बुखारे की। आलू बुखारा भी बहुत सॉफ्ट हो गया। ये जैसे जैसे ठंडी होगी इस तरह और मज़ीद और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको अभी मैं करता हूँ डिश आउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा आलू बुखारे की चटनी तैयार हो गई, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बन गई। ये शादी ब्याह पे इस्तेमाल होती है, आप इसको ज़रूर बनाइए और इसको ज़रूर खाइए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो यहाँ पे मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। दुआ में याद रखिए, अल्लाह ने गवाह।